Welcome to the Parrot Stories. Now available in 30 plus international languages along with English subtitles. A fun way to learn new language. Subah bakhair talba. Iska school ka waqt. Andar aaiye. Aaj hum riyazi ki class seekhne ja rahe hain. Subah bakhair, ustad. Subah bakhair, talba. Suno, mujhe apna homework dikhao. उफो, सोनू ने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया, अब क्या किया जाए? टीचर ने होमवर्क मुकम्मल न करने की वजह पूछी। सोनू ने कहा, सारा दिन मैं बहुत मसरूफ था उस्ताद। सोनू बहाने करने लगा, एक बजे मेरी माँ ने एक लजीज केक बनाया और मुझे खुद ही खत्म करना पड़ा। दो बजे मैं पढ़ाई करने वाला था, लेकिन टेलीफोन की घंटी बजी। ये मेरी दादी की कॉल थी, इसलिए मुझे फोन उठाना पड़ा। वो मुझसे बातें करती रही। बरारास्त एक घंटा के लिए, लिहाजा मैं होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। फिर किया 3 बजे। सुनो, आपने 3 बजे होमवर्क खत्म क्यों नहीं किया? टीचर, 3 बजे मेरी माँ ने बालों का पेन खो दिया। वो बहुत उदास थी, इसलिए उसे दोबारा खुश करने के लिए मैं उसके बालों के पेन को पूरा घर ढूंढता रहा और आखिरकार उसे मेज के नीचे मिल गया। इसने मेरी माँ को बहुत खुश किया, लेकिन इस तलाश की वजह से मैं होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। फिर 4 बजे क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। मोहतरमा, 4 बजे मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने शेल्फ पर नाश्ता और मिठाइयाँ लेने की कोशिश की, लेकिन मिठाई का डब्बा नीचे गिर गया और तमाम मिठाइयाँ बर्बाद हो गई। माँ ने मुझे बहुत सख्त सजा दी और मैं पूरा घंटा रोता रहा। फिर 5 बजे का क्या होगा? उस्ताद ने पूछा। मुझे खुश करने के लिए मेरी बहन ने अपना खूबसूरत डांस पेश किया। मैं और मेरे पूरे खानदान ने मिलकर उसकी कारकर्दगी का लुत्फ उठाया। रक्स की कारकर्दगी 1 घंटे तक जारी रही, इसलिए मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। अब शाम के 6 बज चुके थे। शाम की चाय का वक्त था। माँ ने एक लजीज चाय बनाई और उसने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं चाय से इनकार न कर सका। चाय के सेशन में घंटा लग गया और इसलिए मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। माफ कीजिए उस्ताद। फिर 7 बजे का क्या हुआ? सुनो, तुमने 7 बजे होमवर्क खत्म क्यों नहीं किया? सुनो, उस्ताद ने पूछा। सोनू ने जवाब दिया, उस्ताद मुझे अब तक बहुत भूख लगी थी, माँ ने मुझे खाने के लिए बुलाया। ये इतना लजीज था कि मैंने खाया और खाया और खाया और खाया। मैंने वक्त का एहसास खो दिया और ये पहले ही था। इसी दौरान मेरे भाई ने गलती से एक बर्तन तोड़ दिया। ओ, ये ऐसी गंदगी थी कि मुझे इसे साफ करना पड़ा, वरना मेरी माँ मेरे भाई को मार देती। तो अपने भाई को इस गंदगी को साफ करने में मदद करने के लिए मैं होमवर्क टीचर को खत्म नहीं कर सका। तो फिर अपने 9 बजे होमवर्क खत्म क्यों नहीं किया? टीचर ने पूछा। उस्ताद, सुबह 9 बजे एक अच्छे जिम्मेदार तालिब इल्म की तरह मैं होमवर्क करने बैठा। बिल्कुल इसी वक्त मेरी बली भाग गई। अब बली को तलाश करना मेरा फर्ज था। मुझे अपनी बली की तलाश में पूरा घंटा लगा, इसीलिए मैं होमवर्क टीचर को खत्म नहीं कर सका। इस वक्त तक रात के 10 बज चुके थे और वालिद घर आ गए। अब वो ऑफिस के तमाम कामों से बहुत थक चुके थे और ये एक अच्छे बच्चे का फर्ज है कि वो अपने मसरूफ वालिदैन की देखभाल करे। क्या मैं सही उस्ताद हूँ, इसलिए मैं होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका? माफ कीजिए उस्ताद। वालिद की हाजिरी के बाद 11 बज चुके थे और मैं बहुत परेशान था कि अब क्या करूं। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। मैंने अपना होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब तक बहुत थक चुका था। मैं होमवर्क टीचर को खत्म नहीं कर सकता था। मैं अपना होमवर्क बिस्तर पर ले गया, लेकिन फिर मेरी माँ गुस्से से आई। उसने कहा, अब सो जाओ, ये लाइट लगाने का वक्त नहीं है, और लाइट ऑफ कर दी। मैं अपनी माँ की नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं जल्दी सो गया और रात भर ख्वाब देखा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं सारा दिन मसरूफ रहा, होमवर्क मुकम्मल ना कर सका। टीचर, माफ करना टीचर, और बहुत माजरत। अब तक टीचर को सोनू के तमाम बहाने और उसकी शरारत समझ आ गई थी। वो बहुत नाराज हुई और सोनू को सजा दी, इसलिए हमेशा अपना होमवर्क वक्त पर खत्म करें।
you find this video entertaining, like, share, please subscribe and press the bell.